वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। ओके, पार्टनरशिप, ये जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो इमीडिएटली अ थॉट कम्स इन आवर माइंड दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनर है मतलब प्रॉफिट शेयर करते होंगे, है ना। जैसे ही वर्ड हमारे दिमाग में आता है पार्टनर्स, तो सबसे पहला थॉट जो स्ट्राइक करता है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। लेकिन क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज द ओनली क्राइटेरिया इन पार्टनरशिप, इज इट? इस थॉट को या इस पॉइंट को आज मैं क्लैरिफाई करूंगी एंड यू विल लर्न मोर एसेंशियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप। ओके, आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा आज का है पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल्स। ओके, पार्टनरशिप जो वर्ड है ये डिफाइंड है हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ये सारे के सारे पार्टनरशिप के प्रोविजंस को गवर्न करती है। ओके, एंड उसके अंदर जो हमारा सेक्शन 4 है उसमें हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। ओके, पार्टनरशिप क्या है? पर्संस के बीच का रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जिन्होंने क्या एग्री किया है कि वो एक बिजनेस का, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो एक बिजनेस का प्रॉफिट्स शेयर करने वाले हैं। और वो बिजनेस कैसा है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब वो बिजनेस या तो सब कैरी करेंगे, ठीक है, सब बिजनेस उस बिजनेस को रन करेंगे, या फिर कोई एक बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे, बाकी पर्सन के बिहाफ पे रन करने वाला है। तो ये है बेसिकली पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बात करता है रिलेशन की, आपस में पर्सन के बीच के रिलेशन की, जो किसी बिजनेस को कैरी कर रहे हैं और वो बिजनेस कैसा है, प्रॉफिट कमाने के लिए है। क्लियर हुआ? अब जो ये पर्सन पार्टनरशिप में एंटर होते हैं उसे हम, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। ओके, द पर्संस हु आर कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप आर नोन एज पार्टनर्स। और जिस नेम के अंडर में वो अपनी पार्टनरशिप कैरी करते हैं उसे बोला जाता है फर्म नेम, पार्टनरशिप फर्म का नेम। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप की। एक वैलिड पार्टनरशिप के लिए क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें अगर ये सारे पॉइंट्स प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये वैलिड पार्टनरशिप है। सबसे पहला है टू और मोर पर्संस, क्योंकि पार्टनरशिप डिफाइन किसके बीच में हो रहा है, रिलेशन कैसे के बीच में है, पर्संस के बीच में। मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन तो होने चाहिए। क्लियर हुआ? इतना तभी पार्टनरशिप हो पाएगी। एक सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप नहीं बना सकता, इट विल बी कंसिडर्ड अ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर हुआ? सेकेंड वन इज देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट को मैं बोल सकती हूँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो सारे सारे एसेंशियल्स हैं, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, लीगल कंसिडरेशन, ये सारे के सारे पॉइंट्स जिसमें किसमें प्रेजेंट होनी चाहिए? हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। जब भी पार्टनरशिप होती है तो एक एग्रीमेंट साइन होता है और उस एग्रीमेंट में ये सारे एसेंशियल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो सबसे पहले हो गया कि टू और मोर पर्संस, सेकेंड हुआ कि पार्टनरशिप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। देन कम्स देयर मस्ट बी अ बिजनेस। हमेशा जरूरी है कि बिजनेस होना चाहिए। अब बिजनेस का मतलब क्या हुआ? बिजनेस का मतलब हुआ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज जनरेटिंग प्रॉफिट। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाइंग सेलिंग, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेडिंग, जिसमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, दैट विल बी कंसिडर्ड अ बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, चैरिटी के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आने वाला। कोई रिलीजियस पर्पस के लिए आपने फर्म बनाई है तो वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं इंक्लूड होगी। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो आपका बिजनेस होना चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए या अदर देन कोई पर्पस के लिए अगर आपने फॉर्म बनाएंगे तो इट विल बी नॉट गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर हुआ? टू और मोर पर्सन्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस।
देन कम्स एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट. जाहिर सी बात है कि अगर आप पार्टनर्स हैं तो आपके बीच में जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग का क्लॉज भी होना चाहिए. मतलब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं. अब किस रेशियो में करने वाले हैं दैट कैन वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म. ठीक है, वो पार्टनर्स का म्यूचुअल डिसीजन होता है कि किस रेशियो में उन्हें वो प्रॉफिट शेयर करना है. ठीक है, तो लेकिन प्रॉफिट शेयर होना, ये जो एलिमेंट है ये प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. देन कम्स म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि जो हमारी पार्टनरशिप होती है इसमें भी हमारा एजेंसी वाला जो फंडा है वो लगता है. मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं. इसका मतलब कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे अगर कोई एक्ट कर रहा है तो वो क्या माना जाता है कि वो एक एज अ एजेंट उनके पार्टनर्स के बिहाफ पे कर रहा है, तो दैट विल बी ऑल्सो अ वैलिड ट्रांजैक्शन. और अगर सपोज कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को कोई प्रपोजल दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, दूसरे पार्टनर उस पर्टिकुलर पार्टनर के बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं तो वो वहां पर प्रिंसिपल का रोल प्ले करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं और साथ में बी और सी, हम तीनों पार्टनर्स हैं किसी पार्टनरशिप फॉर्म में. मैंने बी और सी के बिहाफ पे कोई डिसीजन लिया है, कोई ट्रांजैक्शन किया है, तो बी और सी भी मेरे उस एक्ट के लिए बाइंड रहेंगे. ठीक है, दे विल बी बाउंड बाय द एक्ट डन बाय मी इन पार्टनरशिप. कोई भी पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट करता है तो बाकी पार्टनर्स भी उसके एक्ट में क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं. क्यों रहते हैं, क्योंकि एजेंसी का फंडामेंटल चलता है. और अगर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है तो वो एज अ प्रिंसिपल भी एक्ट कर सकता है. तो म्यूचुअल एजेंसी बेसिकली एक पार्टनरशिप फॉर्म की ट्रू टेस्ट होती है. क्लियर हुआ? तो ये पांचों जो पॉइंट्स हैं ये किसी भी पार्टनरशिप में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो वैलिड पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी. क्लियर हुआ इतना? और बाकी के जो पॉइंट्स हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स और जितने भी हमारे लीगल प्रोविजन से पार्टनरशिप से रिलेटेड, दैट आई एक्सप्लेन यू इन माय कमिंग वीडियोस. टिल देन हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन बाय एंड टेक केयर.